सविता विश्वकर्मा, होम्योपैथ कंसल्टेंट, मोहम्मदाबाद गौना, उत्तर प्रदेश से। आज मैं कुछ कीनोट सिम्टम्स लेके आई हूँ जो कि होम्योपैथ रेमेडीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये वन लाइन कीनोट सिम्टम है जो कि खास तौर पे हम ज़्यादातर होम्योपैथ प्रिस्क्राइबर जो हैं वो इस चीज़ को ज़्यादा गौर रखते हैं। और अगर कोई ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो हमारे माइंड में तुरंत वो मेडिसिन स्टिक हो जाती है और उसको जो है हम बहुत अच्छे तरीके से उसको कर लेते हैं। तो कुछ ऐसी विशिष्ट कीनोट सिम्टम्स हैं जो कि हम अभी बताने जाएंगे वन बाय वन, और जो कि आप इसको लिख के भी रख सकते हैं या इसको याद कर सकते हैं। तो सबसे पहला है एकोनाइट ऑफ क्रॉनिक डिसीज एल्यूमिना। जैसा कि हम जानते हैं कि एकोनाइट जो मेडिसिन है वो एक्यूट कंप्लेंट के लिए आती है, जैसे अभी तुरंत सर्दी जुखाम हुआ या अभी थोड़ा सा भी कोई हवा लग गई और हमें थोड़ा सा सर्दी जुखाम या कुछ अनइजीनेस लग रही है तो हम एकोनाइट देते हैं जो कि एक्यूट कंप्लेंट के लिए आती है। तो इसी तरह से एल्यूमिना नाम की दवा जो है वो क्रॉनिक कंप्लेंट के लिए दी जाती है। तो इसको एक शब्द में, एक लाइन में हम ऐसे कह सकते हैं कि एज ए एकोनाइट इज सुटेबल फॉर एक्यूट डिसीज, एल्यूमिना इज अडेप्टेड टू पर्सन हु सफर फ्रॉम क्रॉनिक डिसीज, ए पर्सन इज थीन डार्क एंड लैक्स ऑफ एनिमल हीट। अब दूसरे नंबर पे आते हैं कैमोमिला ऑफ क्रॉनिक डिसीज ग्रेटियोला। जैसा कि हम जानते हैं कि कैमोमिला जो मेडिसिन है वो काफ़ी एंगर के लिए होती है, जो कि पर्सन काफ़ी एंगर होता है, तो हम इसको वन वर्ड में या वन शब्द में या वन सेंटेंस में यही कह सकते हैं कि ये मेंटली द ग्रेटियोला पेशेंट इज पीविश, हिस्टोरिकल, इन ह्यूमर लाइक कैमोमिला, हैंस इट्स ऑन द कैमोमिला ऑफ क्रॉनिक डिसीज। अब नंबर तीन पे आते हैं नक्स वोमिका सिम्टम्स इन फीमेल ग्रेटियोला। जैसा कि हम जानते हैं कि नक्स वोमिका मेडिसिन जो है वो खास करके गैस्ट्रो इंटेस्टिनल प्रॉब्लम के लिए आती है, सिडेंट्री हैबिट के लिए आती है। तो कोई भी इस तरह की सिडेंट्री लाइफ से भी जो अगर गैस्ट्रिक कंप्लेन अगर होती है तो हम नक्स वोमिका देते हैं, और ज़्यादातर ये मेल रेमेडी है। लेकिन अगर यही कंप्लेन अगर फीमेल में होती है तो हम ग्रेटियोला नाम की दवा देते हैं। और जैसे कि इसको एक सेंटेंस में हम इसको ये इसी तरह से कहेंगे, व्हेन सिम्टम्स ऑफ नक्स वोमिका आर फाउंड इन फीमेल कंसिडर्ड ग्रेटियोला, मेंटल ट्रबल्स फ्रॉम ओवरवीनिंग प्राइड, द पेशेंट इज हॉटी, वॉन्ट ऑफ रिजर्वेशंस एंड गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स लाइक डायरिया एंड डिस्पेप्सिया। अब नंबर चार पे आते हैं कार्बोवेज ऑफ सर्जन स्ट्रोंटिया कार्ब। अब जैसा कि हम जानते हैं कि कार्बोवेज जो है हमारी सबसे लास्ट मेडिसिन इस तरह की है कि स्कॉप सर्वाइवर, जैसे कि अगर हमें एंड में अगर कोई भी अंग में मेडिसिन का नाम नहीं पता होता है और एकदम पेशेंट की डेथ लाइक कंडीशन हो जाती है तो हम कार्बोवेज नाम की दवाई देते हैं। तो उसी तरह से स्ट्रोंटिया कार्ब नाम की दवा जो है वो भी उस हिसाब से देते हैं जो कि आफ्टर ऑपरेशन। तो हम इसको एक सेंटेंस में कहते हैं, इट इज़ यूज फॉर शॉक आफ्टर एक्सटेंसिव ऑपरेशन इन एब्डोमेन, प्रोड्यूसिंग सिम्टम्स लाइक प्रोस्ट्रेशन, चिली डिजायर्स, मोर कवर्स, ब्रेथ कोल्ड लाइक कार्बोवेज। नंबर चार पाँच पे आते हैं वेजिटेबल सल्फर। वेजिटेबल सल्फर है लाइकोपोडियम। तो लाइकोपोडियम नाम की दवा जो है वो एंटीसोरिक रेमेडी है, और लाइकोपोडियम स्पोर्स वेयर कलेक्टेड इज कंसिडरेबल क्वांटिटीज इन जर्मनी टू प्रोड्यूस फॉल्स लाइटनिंग इन थिएटर्स एंड इन द मैन्युफैक्चर्स ऑफ फायरवर्क्स बिकॉज ऑफ इट्स हाईली इन्फ्लेमेबल प्रॉपर्टी। नंबर सिक्स पे आते हैं वेजिटेबल पायरोजन मलेरिया ऑफिसिनालिस। मलेरिया ऑफिसिनालिस इज कॉल्ड वेजिटेबल पायरोजन बिकॉज इट इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम डिकेइंग वेजिटेशन एंड पायरोजन इन द प्रोडक्ट ऑफ डिकेइंग फ्लैश। नंबर सेवन पे आते हैं वेजिटेबल मर्क्यूरी। अब इसमें दो ऑप्शन है, जैसे फाइटोलेका बाय कैंट और पोडोफाइलम बाय यूजिस, बोथ आर कॉल्ड वेजिटेबल मर्क्यूरी लाइक मर्क्यूरी सिम्टम्स। तो लाइक मर्क्यूरी द टंग टेक्स द इम्प्रिंट ऑफ टीथ कवर्ड विथ व्हाइटिश और येलोइश कोटिंग,
breath is offensive and the saliva is copious. नंबर 8 पे आते हैं, friend of the oculist, calcarea carp. जैसा कि हम जानते हैं कि calcarea carp remedy जो है वो fair, fat and flabby patient के लिए है, उसकी constitution वही है, और ये medicine जो है ज़्यादातर opacities of cornea में दी जाती है. तो इसको एक sentence में हम यही कहेंगे, opacities of cornea in fat, flabby constitution, where every cold is settles in the eye and produces inflammation and ulceration begins. और नंबर 9 पे आते हैं, होम्योपैथिक कैथेटर. अब ये होम्योपैथ कैथेटर सेबाल सेरुलेटा. तो अब हम ये जानते हैं कि अगर कोई प्रोस्टेट नाम की प्रोस्टेट लाइक कंडीशन होती है, प्रोस्टेट में अगर कोई डिस्टर्बेंसेस होती है तो यूरिन पास आउट नहीं होता है, और ये जनरली मेल कंप्लेन है. तो हम एक होम्योपैथ दवा आती है सेबाल सेरुलेटा, तो उसे दी जाती है. तो हम एक लाइन में यही कहेंगे, इंडिकेटेड इन प्रोस्टेट एनलार्जमेंट व्हेन यूरिन डिफिकल्ट टू पार्ट्स, इट्स एक्ट्स ऑन होम्योपैथिक कैथेटर हेल्पिंग फ्रीली डिस्चार्ज ऑफ यूरिन. अब ये जो टॉपिक है वो नेक्स्ट हम उसमें भी हम कहेंगे. तो इसमें नेक्स्ट मेरा पार्ट 2 भी इसी टॉपिक के ऊपर आएगा, तो उसको भी देखते रहिए, आगे थोड़ा सा इंतज़ार करिए, मेरा अगला वीडियो उसी के ऊपर आएगा. तो ये कुछ साइनोप्टिक की है, जो कि अगर पेशेंट अगर पहली बार ओपीडी में आता है और कुछ इस तरह की कुछ कंप्लेन लेके आता है, तो हमारे डॉक्टर्स जो होम्योपैथ डॉक्टर्स हैं उसके माइंड में तुरंत यही चीज़ आ जाती है कि मतलब हमको कौन सी फर्स्ट एड में कौन सी दवा देनी चाहिए. तो ये खास करके आप लिखना हो तो इसको लिख सकते हैं और इसको याद भी रख सकते हैं. बाकी और आप इसको लाइक और शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और इससे भी अच्छा अच्छा वीडियो लेके आऊँ आपकी जानकारी के लिए, और प्रोत्साहन देते रहिए. नमस्कार.